हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अब रॉयल रंबल पेपर व्यू को होने में बस 2 से 3 दिन ही बचे एंड फैंस इस पेपर व्यू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे पास रॉयल रंबल से जुड़ी काफी कुछ बड़ी अपडेट है, जैसे कि सेथ रॉलेंस वर्सेस रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में आखिरकार जीत किसकी होने वाली है वो हो चुका है रिवील। इसके अलावा बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी के मैच से रिलेटेड क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है, साथ ही साथ जॉन मॉक्सली के रॉयल रंबल में रिटर्न करने के चांसेस और ज्यादा क्यों बढ़ चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जॉन मॉक्सली से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, लगभग 3 साल हो चुका है जब से जॉन मॉक्सली ने WWE छोड़ा है एंड फैंस होप कर रहे हैं अब वो टाइम फाइनली आ चुका है जब जॉन मॉक्सली करेंगे अपना रिटर्न WWE में। बिकॉज डीन एम्ब्रोस को भी WWE में काफी ज्यादा मेंशन किया जा रहा है, अपडेट्स आई कि WWE कंपनी से बाहर से कोई सुपरस्टार आने वाला है। तो गाइस, ये सारी चीज तो मैंने आप सबको बता ही दी थी, लेकिन आप सबको पता ही है भाई, लास्ट स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को ये कहा था कि हर कोई तुम्हें कैरी करते हुए आ रहा है, जैसे कि अभी तुम्हें उसोस कैरी कर रहे हैं एंड पहले मैं और मॉक्स तुम्हें कैरी करते थे। यानी कि गाइस, यहां पर सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोस का नहीं बल्कि मॉक्सली का नाम लिया है। तो गाइस, इसी से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अब आप सभी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि भाई सेथ रॉलिंस ने ये नाम अपने मन से ले लिया हो क्योंकि उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम है। लेकिन गाइस, रिंग साइड न्यूज की तरफ से ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि सेथ रॉलिंस को पूरी परमिशन थी इस चीज को यूज करने की। यानी कि जहां पर पहले WWE डीन एम्ब्रोस का नेम मेंशन नहीं करती थी, उनके फोटो वगैरह नहीं दिखाती थी, अब तो उनकी क्लिप भी हमें देखने को मिलती है एंड उनका मॉक्स नेम भी हमें मेंशन होते हुए दिखता है। तो गाइज, लेट्स सी कि क्या जो रूमर्स वगैरह चल रहे हैं एंड स्पेकुलेशन वगैरह लगाई जा रही है वो सच होती है रॉयल रंबल में एंड डीन एम्ब्रोस हमें एंट्री करते हुए दिखते हैं रॉयल रंबल मैच में। वैसे अब जब रॉयल रंबल इतने क्लोज है, आपको क्या लगता है, डीन एम्ब्रोस रॉयल रंबल में आएंगे या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है रोंडा राउजी एंड बेकी लिंच से। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था जिसमें मैंने रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन की थी कि हो सकता है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में हमें रोंडा राउजी देखने को मिल जाए। लेकिन गाइज, अब एक नहीं बल्कि काफी सारी अपडेट्स निकल कर आ चुकी है रोंडा राउजी से रिलेटेड, जैसे कि WWE चाहती है रोंडा राउजी रॉयल रंबल का पार्ट हो एंड गाइज, जो रोंडा राउजी की मेकअप आर्टिस्ट है वो मौजूद रहने वाली है रॉयल रंबल में एंड उसके बाद होने वाली रॉ में। और गाइज, इतना ही नहीं, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेल्टज़र ने ये कहा है कि WWE ने रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच का मैच रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए लॉक कर दिया एंड बेकी लिंच ने इसी अपडेट पर रिएक्ट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। और अब तो गाइज, ये लगभग कंफर्म लग रहा है कि रोंडा राउजी आने वाली रॉयल रंबल मैच में एंड वो सिर्फ आने वाली नहीं है बल्कि उसे जीतने भी वाली है। बट अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आप चाहते हैं इस साल का रॉयल रंबल मैच रोंडा राउजी जीते या फिर कोई और। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के विनर रिवील होने से। देन गाइस, आप सबको बता दूं, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के मैच का बैटिंग ऑड्स रिवील हो चुका है और आप सब जानते हैं ये बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलते हैं किसी मैच के अगर WWE कुछ ज्यादा बड़ा प्लान नहीं करती है। और गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि सेथ रॉलिंस हराने वाले रोमन रेंस को एंड बनने वाले यूनिवर्सल चैंपियन, तो गाइस शायद से ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि बैटिंग ऑड्स है अभी रोमन रेंस के फेवर में एंड वो हराने वाले सेथ रॉलिंस को और रिटेन करने वाले अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो कह सकते हो आप सब, इतने रूमर्स अपडेट्स वगैरह जो आ रहे थे कि सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले, उन्हें एक तरह से बैटिंग ऑड्स ने खत्म कर दिया। बट हाँ, ये लास्ट एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स नहीं है, वो जो भी रहते वो मैं आप सबको बता ही दूंगा रॉयल रंबल से एक दिन पहले। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए एंड सेथ रॉलिंस फेवरेट बन जाए, बट हाँ अभी के लिए तो भाई रोमन रेंस ये बैटिंग ऑड्स में आ गए। और गाइज, इस मैच में फैंस रिजल्ट से ज्यादा ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि आखिरकार रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस जब आमने सामने आते हैं तो होता क्या कुछ है। बिकॉज एक तरफ है दी ट्राइबल चीफ, वहीं दूसरी तरफ है दी विजनरी, एक तरफ है हेड ऑफ द टेबल एंड दूसरी तरफ है दी रेवोल्यूशनरी। तो गाइस, सोच सकते हो आप सब क्या कमाल का मैच होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बीच। लेकिन गाइस, आप सब मुझे भी ये कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आपको भी यही लगता है, इस मैच में रोमन रेंस की जीत होने वाली है या फिर सेथ रॉलिंस बनने वाले हमारे यूनिवर्सल चैंपियन। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।